दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए हम लेकर के चलते हैं आपको सपनों की दुनिया में। और निद्रावस्था में व्यक्ति की जो पांच इंद्रियां हैं और पांचों कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नींद की अवस्था में व्यक्ति एक मृत शरीर के समान हो जाता है। उसका दिमाग शांत रहता है, वो कुछ जान नहीं पाता, परंतु दिमाग के अंदर की कोशिकाएँ अपना काम करती रहती हैं। उस वक्त व्यक्ति उन घटनाओं का अनुभव भी करता है जो उसके जीवन से गहराई से जुड़ी होती हैं। इसी अनुभव को स्वप्न भी कहा जाता है। और जब कुछ ऐसा आता है तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ तो हमारे जीवन में वो शुभ अशुभ को, परिणाम को बताने के लिए सपने पहले आते हैं। और मित्रों, अगर आपने सपने में बांसुरी देखा है, बंसी, वैसे तो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रिय कि वो कहीं भी रहते हैं, लेकिन बांसुरी अपने अधरा मृत पर धारण किए रहते हैं। उसे गोपियों को, गायों को, सबको, जड़ जीव को भी अपने बस में कर लेते थे भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा करके। तो अगर सपने में आपने बांसुरी मुरली को देखा है तो ये वैसे तो जागृति अवस्था में भगवान को बांसुरी बजाते या हाथ में लिए देखना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन मित्रों, अगर सपने में देखा है तो शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ऐसा अगर केवल बांसुरी का दर्शन कर रहा है, कृष्ण सहित अगर हैं भगवान श्री कृष्ण मुरली लिए हुए, तो वो शुभ माना जाता है। लेकिन केवल बांसुरी अगर आप देख रहे हैं तो ये समझिए कि आपके जीवन में अभी बहुत सारी परेशानियां आनी बाकी हैं। लेकिन धैर्य से बहुत कुछ बिगड़ा हुआ भी बन सकता है, तो धैर्य रखें। और अशुभ परिणाम ना मिले हमें, उसका कोई फल ना मिले, इसके लिए जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।